आइडिया दिया इधर आने का? अभी फाइनली हम लोग शॉपिंग का प्लान हुआ किसी का. सो क्यों प्लान हुआ शॉपिंग का? चढ़ेंगे प्लान है हम लोग का. लाइक पहले भी गए थे, मैं प्रॉमिस किया था, मुझे याद नहीं होता प्रॉमिस, बट कुछ लोग बोलते रहिए. पर यू इज एक्साइटेड बिकॉज वो गेम खेल रहे हैं. सो इवा क्या करने जा रहे हो आप? अभी तो इतना चिल्ला रहे जोर से, अभी आवाज निकल नहीं रही. सो अभी हम लोग जाएंगे पहले शॉपिंग वॉपिंग करके, विल जस्ट गो फॉर थोड़ा गेम्स वेम्स, देखते क्या एग्जैक्टली मैच लगे. यस यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी, बोलने की जरूरत है, बहुत प्यारी लगी. यू तो एज यूजुअल लगते हैं. एक्चुअली मैं तेल आज चंपू हूँ, कल तेल लगाया था मैंने, तो मैंने सोचा फिर बाल ऐसे करके टाइप कर देते, अच्छे लग रहा है ना. इवा देखो, एक उंगली डोज पे रहता है. एक उंगली आज पक्का लड़की है दाटने वाली. अरे भाई ये टी शर्ट पहनता है ना तो होता ही होता है. सीरियसली मैं झूठे आई वाज जस्ट वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम विद द डॉटर एंड बाकी सब चीजें बस डॉटर ही वाइफ बोलते ना, बट क्या ना वाइफ को वाइफ का क्या चीज. यहाँ पे ये है मिराज का लोग एंड मैंने पहना है मेरी टुडे. सो ही वो और हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए. एक्चुअली जूडियो में हम पहले गए थे, बट सिनेरियो ये हो गया था, हम बहुत लेट गए थे, 9 o'clock को वो बंद हो जाता है. सो इस बार ही सोचा थोड़ा जल्दी जाते हैं एंड वी विल बाय सम, बिकॉज वहाँ पे यार बहुत ही ज़्यादा H&M, ज़ारा एंड एवरी ब्रांडेड स्टफ्स में है ना, सेम मटेरियल सेम क्वालिटी एंड बहुत रिजनेबल रेट में मिलता है. तो इस बार ही मैंने सोचा यार जाके अच्छी खासी शॉपिंग कर दूँ, बिकॉज मेरी शॉपिंग पेंडिंग है एज मिस्टर मोनिश ने मुझे प्रॉमिस किया था. अभी इसको इसके प्रॉमिस याद नहीं रहते, स्पेशली शॉपिंग के, बाकी सब तो सारे प्रॉमिस यू नो सक्सेसफुली कर देता है ये, लेकिन सिर्फ शॉपिंग के प्रॉमिसेस इसको याद नहीं रहते. नहीं मुझे याद नहीं रहते की बात नहीं, मैंने बोला था इसको कि हम लोग वापस जाएंगे, तो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड वहाँ पे काफ़ी रीजनेबल रेट्स में आपको अच्छा आइटम्स मिल रहे थे एंड मोर देन माई सेल्फ उधर वहाँ पे लेडीज आइटम बहुत अच्छे, जेंट्स का वैरायटी भी लिमिटेड है बट ठीक है स्टॉक. अगर लेकिन आपको कंपनी देने आए हो तो यू कैन जस्ट, तो मैं अभी कंपनी दे रहा हूँ किसी को, तो यू शुड अंडरस्टैंड. और थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहा था अरे तू तो शॉपिंग करती रहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है. जितना मैं शॉपिंग कर रहा था तेरे को उतना कोई हस्बैंड कह रहा था भी नहीं. हाँ वो तो है, यू हैव अ पॉइंट. सो इवो कहाँ जा रहा है? हम गेम्स खेलने जा रहे हैं. और क्या क्या खेलेगा इवा मेरा वहाँ पे? हो फ्लाइंग किस, ये मम्मा को तो देता नहीं है तो फ्लाइंग किस. जूडियो में जाएंगे एंड फिर वहाँ से वी सपोज टू गो टू एन ऑर्बिट मॉल, तो इवो को प्लेज टाइम जोन में गेम्स वगैरह खेलेंगे एंड वी विल कम बैक होम. आप क्या कर रहे हो इधर? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते आप, हमेशा कुछ नहीं करते. ओके क्या नहीं है? युवा किधर गया? युवा दिख नहीं रहा है. युवा छुपा हुआ है, देखो 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 देखो. आ जाओ आप बाहर आई शुड प्रेफर यू फॉर दिस
थोड़ा बिगाड़ा कलर है, डार्क कलर है। Who is asking for lipstick? Mama, how is your lipstick? क्या चाहिए वा? Nail polish. वा, आप अभी तक अंडे से बाहर निकले थे, आपको lipstick चाहिए? छोड़ो lipstick को रखो उधर। पापा को बेटा कभी जिंदगी में पापा ने lipstick तो क्या? कभी powder lipstick? वा आपने क्या लिया? क्या लिया आपने? क्या हो रहा है? वा दूर क्यों भाग रहे हो? ये लिया, इसको क्या करोगे? पापा को लगाओगे? खुद लगाओगे? अच्छा, तो मम्मी कम से कम आधे घंटे से लिपस्टिक सेलेक्ट कर रही है, सॉरी नेल पॉलिश। मम्मा मुझे सेलेक्ट करते हुए आप इतना टाइम लगाया था क्या? तो बोला कौन दी तुम? मैं ये क्या होता है? ये लिप्स रिमूविंग। अच्छा, इसको यूज करते हैं क्या? डार्क लिपस्टिक होते हैं ना, तो ऐसे निकलती नहीं है, तो फिर ये रिमूवर। वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द टेलीविजन। मम्मा ये क्या? ये मेकअप रिमूवर टिश्यू। अगर आपके पास बीवी का मेकअप निकालना है तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। Yes. क्या कुत्ते भी निकल ले तो आजकल पता नहीं भरोसा नहीं है कुछ कुछ लोग आजकल जेंट्स भी यूज़ करते हैं। क्या बात, मजाक कर रहे हो? कौन जेंट्स है? सीरियसली मजाक नहीं कर रहे हो? महान पुरुष पैदा हो गए दुनिया में, वीडियोस देखता नहीं है? नहीं भाई, मेरे को ऐसे वीडियोस देखने का शौक नहीं है। जिनको है उनका शौक, उनको मुबारक हो। चले बेटा, ये क्या है? रख दे रख दे रख दे उधर। लिप ग्लॉस सेलेक्ट किया अपने लिए। बाय, कहाँ जा रही वा? गेम्स खेलने जा रहे हैं। अच्छा, और आप कहाँ जा रहे हो? ये पापा ने निकाले फाइनली। वो इवा ने निकाला, ये वो भी सीख गई अपने साथ। तो ये मेरा वेज है एंड ये यहाँ पे चिकन है। इन लोग का ब्राउन बर्गर से खा रहे हैं हम। कंपैरेटिवली कुछ आइटम्स ब्राउन बर्गर के इसका बेटर देन मैकडॉनल्ड्स। हाँ, तो इसको तो इसमें गुड कंपटीशन टू मैकडॉनल्ड्स, तो आप आ रहे हो तो ये भी ट्राई कर सकते हो इसको कभी। आई रियली लव डिज़ाइन ऑफ फ्राइज। फ्राइज का डिज़ाइन अच्छा है, कुछ बर्गर्स बहुत टेस्टी है कंपेटिवली मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में। एंड दे हैव यू नो वैरायटी आल्सो बर्गर्स का, और मैं मैकी में आपको एक दो बर्गर्स का वैरायटी मिलेगा आपको, और यहाँ पे जो है वर्सेटाइल यू नो काफ़ी इनको वैरायटी मिलेगा। मैं हूँ ईवा। ओके,
बहुत टाइम बोरी, आपको कैसे लग रहा है बर्गर फ्राइज? अरे बाप रे बहुत टेस्टी है। हाँ इतने प्यार से पापा को पूछ लिया करो। खाओ खाओ। लड़की को मैं स्कूल लेने जाता हूँ, उसको मेरे को देख के मुंह उतर जाते हैं, उसका माँ को देख के नाचने लग जाती है। क्या रे गिरा दिया?